हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक स्टॉक किस तरीके से चुना जाता है। आप देखते हैं काफ़ी तरीके के स्टॉक्स हैं, लगभग 8000 स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट में लिस्ट है। ओके, और कोई भी जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं ओके, और उन्हें नहीं पता चलता कि वो किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके आया हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना वो खत्म हो जाएंगे। और स्टिल अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आप सिंपली मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ ट्वीट कर दीजिएगा, उस पर मैं जवाब दूंगा। और ट्विटर पे बहुत बेहतरीन शेयर में चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डेली शेयर कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द मार्केट शेयर कर रहा हूँ, आफ्टर मार्केट शेयर कर रहा हूँ, मॉर्निंग में शेयर कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, जाके वीडियोस को देखिए। ओके, बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें मिलेगी, ऐसी चीज मिलेगी जो कोई नहीं बताता, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वीडियो के बारे में और भी कुछ। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरीके की वीडियो बनाए तो आपको यहाँ पर वीडियो मिले, आप सीख सके। और दूसरा चैनल ट्रेडिंग डील से शॉर्ट वीडियो आती है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से एक अच्छा स्टॉक्स चूज कर। सबसे पहले आप मार्केट में आए किस लिए, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट में आया है केवल 5% 10% के लिए, आप मार्केट में आया है कि ट्रेडिंग करेंगे डेली 1000 रुपये कमाएंगे, 500 रुपये कमाएंगे और चुपचाप लेके निकल जाएंगे, तो ये वीडियो फिर आपके किसी काम का नहीं है। बट अगर आपका नज़रिया है कि आपको एक वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको राकेश झुनझुनवाला की तरह सर की तरह बनना है, आपको विजय केडिया सर की तरह बनना है, आशीष कचौलिया सर की तरह बनना है, डॉली खन्ना जी की तरह बनना है, आपको किसकी तरह उनकी तरह बनना है, आपको वॉरेन बफेट के सिद्धांतों पे चल के उनकी तरह पैसे कमाने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आप एक अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे, बट उसके लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन आना बहुत जरूरी है। और स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप बात करते हैं 3 साल की मिनिमम, आप बात करते हैं 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। राकेश झुनझुनवाला सर ने टाइटन लिया था, ओके, टाइटन उन्होंने 8 रुपए के भाव से लिया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने 60 रुपए के हिसाब से भी लिया, 80 के हिसाब से भी लिया, 35 के हिसाब से भी लिया, उन्होंने अपने अलग अलग भाव पे यहाँ पर स्टॉक्स को खरीदा। बट उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज लगभग 10,000 करोड़ रुपीज है, तो उसी से वो यहाँ पर अगर बात करें बिलियनियर बनते हुए नजर आए हैं। तो वो स्टॉक सिलेक्शन आता कैसे है, वो चीज़ें यहाँ पर, वो बड़े बड़े लोग किस तरीके से यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को चुन लेते हैं जो हम यहाँ पर नहीं चुन पाते, तो इसका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका नज़रिया एक इन्वेस्टमेंट का है तो सबसे पहले आप स्टॉक्स में जब भी पैसा लगाए तो ऐसा पैसा लगाए कि जो आपको 3 साल 5 साल 10 साल तक कोई यूज में ना हो। ओके, आपको जरूरत भी पड़ जाए ना ऐसे पैसे की तो यहाँ पर भूल जाइए उस पैसे को लगा के, हमें उस पैसे को बिल्कुल नहीं देखना। आप वहाँ पर समझिए कि वो पैसा हमारा चला गया है, यहाँ पर आँख बंद कर लेनी है उस पैसे को के लिए। और दूसरी बात, जब हमें इन्वेस्टमेंट की पर्पज की हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। और स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपको पैसे बनाने हैं या फिर आपको 15% 20% के रिटर्न एनुअली मिल जाए उसमें खुश हो। तो देखिए, 15% 20% के रिटर्न एनुअली हिसाब से अगर हम मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि 20% के रिटर्न आपको अगर मिल जाते हैं हर साल तो याद रखिए 10 लाख रुपए 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो क्या आप 100 करोड़ में खुश है? मैं एटलीस्ट यहाँ पर 100 करोड़ में खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे और भी जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं ओके, रात तक यहाँ पर स्टॉक्स को ढूंढते रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे ड्रीम्स कुछ अलग होंगे, हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर काम करते हैं। तो हम अगर हम बात करें तो हमें ऐसे स्टॉक्स चुनने हैं जो हमें 15% 20% रिटर्न ना दे, हमें ज़्यादा रिटर्न दे। 15% 20% के रिटर्न के लिए निफ्टी 50 में ऐसे स्टॉक्स हैं, आप TCS उठा लीजिए, आप यहाँ पर इन्फोसिस उठा लीजिए, HDFC बैंक उठा लीजिए, ICICI बैंक उठा लीजिए, ओके, ऐसे निफ्टी 50 में स्टॉक्स मिल जाएंगे, आप आराम से यहाँ पर उनमें इन्वेस्ट करना, लो रिस्क ओके, और यहाँ पर अच्छे खासे 15% 20% के रिटर्न मिलते हैं। बट आपको मोर देन दैट अगर हम बात करें, उससे भी ज़्यादा पैसे के रिटर्न चाहिए, तो आपको सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ झांकना पड़ेगा।
याद रखिए स्मॉल कैप मिड कैप, जब आप कभी भी विजय केडिया सर की यहाँ पर स्पीच सुनते होंगे तो वो हमेशा कहते हैं मैं यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करता। और आप किसी का भी पोर्टफोलियो उठा लीजिएगा तो स्मॉल कैप या मिड कैप ही मिलेगा आपको। चाहे मैंने आशीष कचौड़िया सर का पोर्टफोलियो देखा है, मैंने यहाँ पर आपको डॉली खन्ना जी का भी दिखाया था, मैंने आपको यहाँ पर विजय केडिया सर का भी दिखाया, राकेश झुंझुनवाला सर का भी दिखाया, सबका आपको पोर्टफोलियो दिखाया है और सब में यहाँ पर या तो मिड कैप मिलेंगे या स्मॉल कैप मिलेंगे। और राकेश झुंझुनवाला सर के में ही यहाँ पर टाटा के कुछ स्टॉक्स है जैसे टाइटन और टाटा मोटर्स हो गया। Except that, अगर हम बात करें सारे के सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे कौन से स्मॉल कैप और मिड कैप। तो स्मॉल कैप में और मिड कैप में ही यहाँ पर आपको पैसा बनेगा, सबसे पहले इस बात को भी ध्यान लगा लीजिए। और आपको जब हम स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहे हैं तो याद रखिए स्मॉल कैप मिड कैप भंगार स्टॉक्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से बड़े चतुराई से यहाँ पर स्टॉक्स को सुनना है। तो उसलिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्टॉक्स सुनना है, सबसे पहले मार्केट कैप से कोई रिलेशन नहीं है उसका, ओके। मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए की भी हो सकती है और वो 100 करोड़ रुपए की कंपनी आगे चल के 10,000 करोड़ की भी बन सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दूसरी जो बात देखनी है डेट, कि कंपनी के ऊपर डेट है या नहीं है। डेट फ्री कंपनी जितनी होती है ना, याद रखिए अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके की इन्फ्लेशन की ये बातें होती है ना तो ऐसी कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें दूसरों को पैसा नहीं देना, माल कितना भी महंगा हो फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो इसलिए डेट फ्री कंपनी को ही यहाँ पर आपको चुनना है, एज वेल एज ROCE ROE। यहाँ पर ये देखना है रिटर्न ऑफ इक्विटी कितनी है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स, मैंने अभी एक वीडियो बनाया स्मॉल कैप के 2 स्टॉक्स आपको दिए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे बालाजी अमाइंस और मैंने हरनबा की बात करी है, हरनबा इंडस्ट्री, और स्मॉल कैप कंपनी है, 2,000 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है दोनों की दोनों। और अगर हम बात करें उन दोनों कंपनी में ROCE ROE की बात करें तो 50% 30% 40% दिखाई देती है, तो 20% से ऊपर जिसकी भी ROCE होती है, ओके, और ज्यादा मिल जाए 30-35-40% तो याद रखिए अच्छी खासी कंपनी होती है। एज वेल एज हमें साथ में देखना है कि उनका सेल्स ग्रोथ किस तरीके से चल रहा है, 5 साल में सेल्स ग्रोथ क्या है, तो अच्छा खासा ग्रोथ है 20% 25%, तो ऐसी कंपनी को चुनिए। एज वेल एज प्रॉफिट का रेशियो 5 साल में किस तरीके से बढ़ रहा है, अगर 30% 40% 50% के हिसाब से बढ़ रहा है तो ऐसी कंपनी को आप चुनिए। और एज वेल एज आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट चाहता है कि नहीं कि यहाँ पर उस कंपनी के शेयर लेने के बाद, ओके, उसने कंपनी में 100 करोड़ की कंपनी में ही खुश है, या वो उसके अंदर इतनी आग है कि वो 100 करोड़ की कंपनी को 10,000 करोड़ की बनाने के लिए आतुर है और 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएगा। तो ऐसी मैनेजमेंट कंपनी के लिए, ऐसे मैनेजमेंट वाली कंपनी को यहाँ पर आपको चुनना है, उसका पास्ट देखना है, उसका एक्सपीरियंस देखना है, आपको देखना है कि उसके बोर्ड में कौन से लोग बैठे हुए हैं, उनके जब आप कंपनी में जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर आपको बोर्ड में दिखेंगे बड़े बड़े लोग, CEO COO CFO सब दिखाई देंगे। उस केस में आप यहाँ पर सर्च करिए कि कंपनी में उन्होंने क्या किया है, क्या वो कंपनी को एग्जैक्टली बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, या मार्केट में वो कंपनी 5 साल 10 साल से है बट 5 साल 10 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ओके, यहाँ पर मार्केट कैप 10,000 करोड़ से 1,000 करोड़ पे आ गया है, तो ऐसी कंपनी को हमें नहीं चुनना। तो डेट फ्री कंपनी को चुनिए, ROCE ROE को कंपनी को चुनिए, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी को चुनिए, ओके। और आप देखते होंगे चार्ट को, जब चार्ट देखते होंगे तो यहाँ पर देखते होंगे कि 2012 में चार्ट में शेयर 1,000 रुपए पे था बट अभी 10 रुपए पे है, ओके। और अगर हम बात करें इससे पहले बीच में वो 500 रुपए पे भी आया था, तो इस तरीके से ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। तो याद रखिए ये सब चीज मैं आपको वीडियो में हर बार बताता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि कंपनी के मार्जिन किस तरीके से आ रहे हैं, हर साल मार्जिन में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, एक आध बार चलता है, ओके, कोई भी शेयर लगातार ऊपर नहीं जाता, कोई भी शेयर लगातार नीचे नहीं आता, तो अच्छी कंपनी में ये होता है ऊपर जाके नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ओके, रिट्रेसमेंट नाम की चीज होती है बट एट द एंड ऊपर ही चलता रहता है ऊपर ही चलता रहता है। तो आपको ऐसी कंपनी को चुनना है। आपको जैसे मैं दिखाता हूं यहां पर प्रॉफिट एंड रेशो में, तो आप देखते होंगे एनुअली मैं दिखाता हूँ सेल्स किस तरीके से बढ़ रही है, यहाँ पर प्रॉफिट नेगेटिव से प्रॉफिट पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले 5 साल 10 साल में, ओके। एज वेल एज यहाँ पर उसका जो मार्जिन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1% था फिर 2% हुआ, 5% हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, कंपनी के रिजर्व कितने हैं, कंपनी की कैश कितनी है। इस तरीके से जब आप चुनेंगे ऐसे स्टॉक्स को स्मॉल कैप मिड कैप को, तो याद रखिए चाहे वो शेयर 2 साल ना चले 3 साल ना चले,
आप भी उसे लेके परेशान हो जाए, ओके। और काफी लोग होते हैं जो बेच देते हैं ऐसे टाइम में जब ये चलते नहीं है, थक जाते हैं, ओके, पेशेंस टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जब वो चलना शुरू करते हैं तो एक ही बारी में आपके जितने पेशेंस आपने उस पर दिखाया है, ओके, आपने जितना धैर्य दिखाया है उसी के हिसाब से वो रिटर्न देते हुए नजर आते हैं। 500% 600% यहाँ पर ये शेयर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक शेयर में आपको अभी बता देता हूँ जो मेरा मनपसंद स्टॉक्स है, ओके, मैं 2 दिन से उसे भी रिकमेंड कर रहा हूँ। उससे पहले भी रिकमेंड किया था, 350 पे रिकमेंड किया था, 1600 रुपए पे जाके आया, आज वो 1000 रुपए को दोबारा यहाँ पर नीचे गिर गया था, मार्केट गिरी है, वो भी गिर गया था, अगेन वो 800 रुपए 700 रुपए तक आ गया था, अब 1000 रुपए पे चल रहा है, और आने वाले टाइम में वो बोनस भी देगा, स्प्लिट भी देगा, रिजर्व्स अच्छे है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, स्मॉल कैप कंपनी है, और आने वाले टाइम में वो शेयर इतना अपने 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आने वाले टाइम में 50,000 और 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप भी उसका होता हुआ दिखाई देगा, और वो शेयर मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, ओके। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प करिएगा, लीजिएगा। बट अगर हम बात करें वो शेयर का नाम, तो उस शेयर का नाम हैप्पीएस्ट माइंड, अशोक सूता साहब, गुड मैनेजमेंट एज वेल एज कंपनी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरीके से उसके रिजल्ट आए हैं, ओके, कल रिजल्ट अच्छे आए थे, मैंने आज दिया था 6% ऊपर, परसों मैंने आपको ये स्टॉक्स दिया था, कल यहाँ पर 7% ऊपर, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, FIIs भी है, DIIs भी है, और उनका जो कंपनी जो काम कर रही है डिजिटली, US में उनका US से सारे मोस्टली क्लाइंट यहाँ पर आते हैं, तो याद रखिए ऐसी ही कंपनी बढ़नी है जो यहाँ पर फ्यूचर को देख के काम करती है, ऐसी हर एक टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करती है, और जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, और मैनेजमेंट को 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, Mindtree के co-founder रह चुके हैं, तो ऐसे ही कंपनी के शेयर को यहाँ पर लगाना है। 1,00,000 रुपए लगा दिया, मुझे लगता है कि 10 से 15 साल के अंदर अंदर 1-1.5 करोड़ रुपए ये कंपनी देगी, एक्सेप्ट डिविडेंड, जो डिविडेंड देती है ना 10 रुपए 15 रुपए, वो तो मिलते ही रहेगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करिए, आप हमें यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे शेयर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।